What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 2 अगस्त. आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं. करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जीके के भी होंगे जो कि स्टैटिक पोर्शन होगा. तो कंप्लीट वीडियो में लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. इसके अलावा वीडियो के एंड में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी मिलेगा. और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 अगस्त से आप लोगों को इस लेक्चर की PDF विद आंसर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप लोग जाकर ये कंप्लीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का. ये है हमारी कंट्री में, आप लोग जानते हैं कि लगभग 60-70% जो पॉपुलेशन है आज की डेट में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है. तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी कंट्री में उगाते हैं, तो उगाने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि हम लोग अपनी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उगाते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, हमारी कंट्री में नहीं उगाई जाती है, जी हमारी कंट्री में कम उगाई जाती है जितनी हमारी कंट्री में जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. तो उन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए है ये क्वेश्चन. बात की जा रही है जो भी बल्क इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी हम अपनी कंट्री में, तो पास्ट में वो कौन सी सबसे ज्यादा रही है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने. तो पहले बात करते हैं यहां पर इंपोर्ट के बारे में. अगर इंपोर्ट के बारे में आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा हम लोगों ने कुछ टाइम में क्या क्या खरीदा है, सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने खरीदा है ये खरीदा है वेजिटेबल ऑयल्स. जो भी ये वेजिटेबल ऑयल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये हम लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदे हैं. दूसरे नंबर पर पल्सिस यानी कि दालें खरीदी है. तीसरे नंबर पर खरीदे हैं फ्रूट्स यानी कि फल वगैरह खरीदे हैं यानी कि फ्रेश फ्रूट्स. ये हम लोगों के 3 सबसे ज्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट रहे हैं अगर हम लोग माने कि एग्रीकल्चर में क्या हम लोगों ने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है. अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो आप लोगों को नजर आएगा सबसे ज्यादा मैराइन प्रोडक्ट यानी कि जो मछली से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में वो सब चीजें यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो समुद्र से चीजें या फिर आप लोग ये बोल सकते हैं ठीक है जैसे मछली वगैरह निकाली जाती है या फिर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बोल सकते हैं जो कि मैराइन से रिलेटेड है ठीक है. तो उन पर हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया है. दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा चीज बेची गई है हमारी कंट्री में वो बेची गई है बफेलो मीट ठीक है. और तीसरे नंबर पर है बासमती राइस. तो ये 3 सबसे ज्यादा एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट हैं हमारी कंट्री में अगर हम लोग एग्रीकल्चर से हम लोग इनको काउंट करके चले तो ठीक है. तो ये आप लोग आंसर देखते हैं यहाँ पर सी हो गया इसका आंसर. देखिए खासकर आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. अगर आप लोग गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं और आप खेती करते हैं तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके के. तो इंटरव्यू में भी आप लोग फोकस देकर चल सकते हैं ऐसी चीजों के बारे में. सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में है. बात की जा रही है नेशनल सिक्योरिटी की तो बात आ रही है यहाँ पर रोहिंग्या. आज की डेट में रोहिंग्या जो आप लोगों को नजर आएंगे हमारी कंट्री में लगभग 40,000 रोहिंग्या हैं जिनको बोला जा रहा है कि ये हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है. कहां से आई ये आप लोगों के पड़ोस में देखने को मिलेगा म्यांमार. म्यांमार से होते हुए यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बांग्लादेश में आते हैं आप लोगों को यहां से होते हुए कुछ यहां पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल और आज की डेट में ये पूरी इंडिया में लगभग फैले हुए हैं. सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर आप लोगों को नजर आएंगे तो माना जाता है कि लगभग 6 लाख ये हैं कहां पर बांग्लादेश में और इंडिया में लगभग 40,000 हैं. तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है इसलिए इनको वापसी डिपोर्ट करना चाहिए. और उसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर आज की डेट में एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग ये देखिए आपके एरिया में कितने रोहिंग्या हैं और उनका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कीजिए और यहां पर उनके बारे में आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए. तो उसी के बेस पर यहां पर बोला जा रहा है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रोहिंग्या हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, यह है क्वेश्चन आप लोगों के सामने. तो सबसे ज्यादा तो आप लोग मैप में नहीं हार सकते हैं. अगर आप लोगों को मैप की बात की जाए तो देख सकते हैं ये हो गया यहां पर क्या हो गया ये हो गया यहां पर म्यांमार. तो म्यांमार से होते हुए तो 2 स्टेट में होंगे सबसे ज्यादा या तो आप लोग यहां पर त्रिपुरा देख सकते हैं या मिजोरम देख सकते हैं क्योंकि सबसे पास में यही है ओके. पर लेकिन जब बात करेंगे मिजोरम की तो यहां पर आप लोगों का ऐसा एरिया नजर आएगा कि यहां पर जाया नहीं जाता क्योंकि काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी. तो जो सुगम रास्ता है वो आप लोगों को त्रिपुरा तक देखने को मिलेगा. तो उसी के बारे में आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बताता हूं कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा आज की डेट में जो फैले हुए हैं वह त्रिपुरा तेलंगाना हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर. और खासकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है वो आ रही है जम्मू और कश्मीर को लेके. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में सिक्योरिटी को लेके ऑलरेडी यहां पर थ्रेट है जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में. पड़ोस में पाकिस्तान आप लोग देखते हैं चाइना आप लोग देख सकते हैं तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है. ये बोला जाता है कि क्योंकि इनके पास में जॉब नहीं है जो रोहिंग्या है इनके पास में खाने पीने के लिए प्रॉपर वे में कोई फैसिलिटी नहीं है रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है तो गलत तरीके से बहका कर भी इनको यूज किया जा सकता है कंट्री की हार्मनी बिगाड़ने के लिए. तो ये भी बात आती है इसीलिए कहीं काफी ज्यादा कंसर्न है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट खासकर इनको लेकर ठीक है. तो कौन सा है त्रिपुरा तेलंगाना हरियाणा और जम्मू कश्मीर. तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये हो गया त्रिपुरा तेलंगाना हरियाणा और जम्मू और कश्मीर. तो ये 4 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या आज के डेट में हमारी कंट्री में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 3rd है यहां पर की जा रही है C40 के बारे में. ऐसे टर्म्स आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं और बोला जाता है किससे रिलेटेड है. जैसे यहां पर देख सकते हैं C40 फोकस ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में फोकस देकर चलता है. C40 है क्या?
तो C40 है यहाँ पर, यह है एक नेटवर्क जो वर्ल्ड में जो मेगा सिटीज है, जैसे हमारी कंट्री में भी आप लोग देखते हैं बेंगलोर हो गया, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, तो ये बहुत बड़ी सिटी है जिनको मेगा सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 सिटीज को इकट्ठा किया गया और यहाँ पर उनको इस तरीके से पैटर्न लेके चला गया ताकि अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई इश्यू निकल कर आ रहा है या फिर किस तरीके से जो अर्बन एरिया है हम लोगों को उसको डेवलप करना है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कैसे खत्म करना है या फिर कम करना है, या फिर हेल्थ की सर्विस जो है यहाँ पर लोगों के लिए कैसी बढ़ानी है, उन सब चीजों पर फोकस देकर चला गया। तो ये एक ग्रुप है यहाँ पर जो वर्ल्ड की मेगा सिटीज है उनका एक नेटवर्क है C40 जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और भी कई सारे इशू पर फोकस देकर चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के टर्म्स आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पर बात की जा रही है सीरिया कंट्री के बारे में। सीरिया आप लोगों को नजर आता है सीरिया में कितना क्राइसिस है, कितने सारे लोग डे बाय डे मारे जाते हैं। लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये हो गई सीरिया आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इधर यहाँ पर इराक हो गया, नीचे इसको जॉर्डन टच करता है, लेबनन हो गया इधर, तो पूरा एरिया आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा और जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने सीरिया बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर इंडिया के रेफरेंस में देखना चाहते हैं सीरिया कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये हो गई हमारी कंट्री, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिया नजर आएगा, ये हो गया प्यारा भारत, यहाँ से यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इस तरीके से अगर लैंड से जाना हो हम लोगों को इस तरीके से होते हुए हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर। तो सीरिया में जो भी अपराइजिंग है तो यहाँ पर उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी रिवोल्ट या प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं, तो कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा जो बर्थ प्लेस माना जाता है अपराइजिंग का, ठीक है। तो ये है DERAA, आखिर ये कौन सी जगह है। ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बर्थ प्लेस है जो आज की डेट में यहाँ पर प्रेसिडेंट है बशर अल असद, जो यहाँ पर कंट्री के प्रेसिडेंट है उनका बर्थ प्लेस है, और क्योंकि पहले उनके फादर और आज की डेट में ये डिक्टेटरशिप का रोल प्ले कर पूरी कंट्री को कंट्रोल कर चल रहे थे। और देखिए अगर आप लोग देखें तो लोग ये हैं एक हद तक ही यहाँ पर लोगों किसी का कंट्रोल सहन कर सकते हैं। अपनी खुद की कंट्री देख लीजिए आप लोग, 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया, पर लेकिन जब इनको समझ में आना स्टार्ट हो गया कि हाँ अंग्रेजों को हम लोगों को उखाड़ के फेंकना है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कैसे कैसे लीडर हमारी कंट्री में निकल कर आए और उन्होंने इन यहाँ से अंग्रेजों को मार के भगाया। तो रीजन क्या था, रीजन ये था कि उनकी जो अत्याचार थे वो एक लिमिट से ज्यादा हो चुके थे। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो अत्याचार थे वो काफी हद तक बढ़ चुके थे, तो यहाँ से जो अपराइजिंग हुई वो उसी के बर्थ प्लेस जहां से वो लीडर था वहां पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए जाते थे लोगों के ऊपर। तो ये है डेरा, ठीक है। पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पर्टिकुलर लोकेशन, ये सदर्न एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा सीरिया के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सदर्न एरिया हो गया, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा ये पर्टिकुलर प्लेस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो रेड रेड दिख रहा है, ओके। तो आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में अगर आप लोग बैठेंगे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा, पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही बारिश होती है, मॉनसून का पीरियड आप लोग देख रहे हैं, तो जैसे ही काफी लंबे समय के बाद में बारिश होती है तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो जमीन होती है उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आती है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू। पहले वो जमीन सूखी होती है और जैसे ही बारिश होती है तो वहां पर भीनी भीनी सी खुशबू आती है, तो जो खुशबू आती है वो मिट्टी की खुशबू नहीं होती है, जिसको बोलते हैं बहुत शानदार खुशबू है यार, जब बारिश होती है तो वो खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो एक बैक्टीरिया की खुशबू होती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया जनरेट करता है वो खुशबू उस टाइम पर वहां पर, तो उसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है कि उस खुशबू को एक तरीके से मेंटेन करके उसका परफ्यूम की कन्वर्ट किया जाता है उसी तरीके का, ताकि परफ्यूम उसी तरीके हो जो मिट्टी की खुशबू आती है। तो उसी के बारे में है कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर। तो यह है साइंटिस्ट का नाम जिसने इसका पता लगाया था, पैट्रिक ओर, और यहां पर जो ये मॉलिक्यूल है जो खुशबू आती है ये जियोस्मीन, यहां पर ये इसकी वजह से वो मिट्टी में से खुशबू आती है, और जो यहां पर ये बैक्टीरिया जो इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये तीनों नाम है आप लोगों के सामने, तो तीनों के नाम आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं अगर आप लोग मिट्टी की खुशबू पसंद करते हैं। क्या आप लोग मिट्टी की खुशबू पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जिसको आप लोग मिट्टी की खुशबू बोलते हैं आगे से याद रखेगा, वो एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इसी से रिलेटेड आज की डेट में हमारी कंट्री में मिट्टी का इत्र आप लोगों को देखने को मिलता है, मिट्टी का इत्र, जी हाँ, ये ऐसा इत्र है जिसमें से वो मिट्टी वाली खुशबू आती है, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कन्नौज में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, जिसको कन्नौज परफ्यूम भी बोला जाता है, और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जैसे आप लोग बनारसी साड़ी देखते हैं या फिर वेस्ट बंगाल के लिए रसगुल्ला बोला जाता है, तो इसी तरीके से इसको वहां के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा भी मिला हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसी बोतल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी बोतल आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो है कन्नौज का परफ्यूम, ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ये, कहां पर कन्नौज आप लोगों को उत्तर प्रदेश यूपी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर ग्रेवेशनल रेड शिफ्ट के बारे में। आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब भी लाइट होती है वो किसी ग्रेवेशनल फोर्स के या फील्ड के उसमें आती है तो थोड़ी स्कैटर्ड हो जाती है, उन्हें बिखरी बिखरी सी हो जाती है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये फिनोमिनन फर्स्ट टाइम दिया गया था
आइजैक न्यूटन के द्वारा? नहीं, ये फिनोमिनन फर्स्ट टाइम दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ओके, तो ये पहला आप लोग यहां पर गलत है। ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट की बात करें तो कौन है यहां पर? अल्बर्ट आइंस्टीन, ना कि न्यूटन। और ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पार्टिकल ऑफ लाइट होता है। मान लीजिए आप लोग कहीं पर एक बल्ब रखा जाए, वहां से आप लोगों को लाइट निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक ए ब्लैक होल, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक होल नाम का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि एक दिन सब कुछ चीजें इसमें समा जाएंगी, यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इसके अंदर रहता है और जो भी यहां पर चीजें जाती हैं वो इसके अंदर से कभी नहीं निकलती, अपने अंदर इसको समा लेता है। यहां माना जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जिसकी वजह से ये हमारी गैलेक्सी यहां पर एक अट्रैक्शन का बिंदु बना हुआ है, यहां पर उसके चारों ओर घूमती रहती है। यानी कि जिस तरीके से आप लोग देखेंगे अगर पेड़ पे से कोई एप्पल गिरता है, अमरूद गिरता है, कोई भी फल गिरता है तो आप लोगों को नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, हवा में दौड़ता हुआ या फिर इधर उधर फैलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्या होगा? ऊपर से सीधा नीचे आगे गिरेगा। तो ये किसकी वजह से है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि जो ब्लैक होल है जिसको बोला जाता है कि हर एक गैलेक्सी जितनी भी गैलेक्सी है ऑल ओवर पूरा, मतलब अगर ब्रह्मांड में आप लोग देखें तो वहां पर उसका जो सेंटर रहता है वो हमेशा ब्लैक होल रहता है, उसकी वजह से इतना बड़ा अट्रैक्शन यहां पर रहता है, ठीक है? तो यहां क्या बोला जा रहा है, हमारा जो मिल्की वे है उसमें कोई ब्लैक होल नहीं है, हमारे सेंटर में ही आप लोगों को ब्लैक होल बोला जाता है कि उसी की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट वो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, बाकी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों को सुनने में डिफरेंट सा लगा होगा, वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाके सुन लीजिएगा एक बार ताकि अच्छे से आप लोग इसको समझ सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो मैंने ब्रिक के ऊपर बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो वीडियो में जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, या फिर वीडियो के एंड में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा अपने आप ही, जब वीडियो खत्म होगी तो उस पर क्लिक कर भी आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर ब्रिक पार्टनर के बारे में, तो जो पार्टनरशिप की बात की जा रही है यहाँ पर किस चीज पर फोकस था ये, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है यहाँ पर इसकी थीम से रिलेटेड, ये है ए मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ राइजिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना इंसानों के द्वारा जो चलाई जाने वाली गाड़ी की बात की जा रही है, और भी कई सारी तमाम टेक्नोलॉजी जो आ रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आप लोग ले सकते हैं, जो भी तमाम टेक्नोलॉजी आ रही है उसका किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, किस तरीके से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी कंट्री मिलकर किस तरीके से साथ में काम कर सकती है। ब्रिक का मतलब क्या है यहाँ पर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो सारी कंट्री कैसे मिलकर काम कर सकती है, यह है कंप्लीट फोकस। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, अगर थीम भी आप लोगों ने याद रखी होगी उस लेक्चर से तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारी कंट्री में आईएमडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्योंकि जब मॉनसून की बात आती है तो आप लोगों को फोरकास्ट जो दी जाती है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। तो अब क्वेश्चन क्या है यहां पर, बात की जा रही है फ्लड, यहां पर फ्लैश फ्लड गाइडिंग या गाइडेंस सिस्टम FFGS प्रोजेक्ट ग्लोबल लेवल पर किसके द्वारा इंप्लीमेंटेड किया जाता है। तो अगर आप लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं कौन काम करता है तो आप लोग सीधा सीधा बोलेंगे यार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी यहां पर, ठीक है? तो यहां पर जो काम करती है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि यहां पर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पर तो यहां पर इसके द्वारा कवरेज किया जाता है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं कि अगर आप लोगों को लोकल इन्फॉर्मेशन पता है तो कई बार आप लोग इसी चीज को कहते हैं कि इंटेलिजेंस गैस करना, ठीक है? कहते हैं ना कि यार कैसे इंटेलिजेंस गैस करें, यही होता है इंटेलिजेंस गैस। अगर आप लोग लोकल इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, ओके? तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग ध्यान से चीजों को सुना कीजिए, और इसके बारे में तो पता नहीं कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग वीडियो में, ये टर्म काफी न्यूज में आज की डेट में। बात की जा रही है डी वोटर, आखिर क्या है डी वोटर? आप लोगों ने देखा आसाम में अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन निकल कर आया, उसके बेस पर 40 लाख जो लोग हैं उनको क्या कर दिया गया, उनको बोला गया कि आप लोग इंडिया के सिटीजन नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बात बोली गई कि आप लोग कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रूव करेंगे कि आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसी के बारे में यहां पर बोला गया। तो उनको बोला गया डी वोटर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी है कि जो जिनके पास में प्रॉपर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है और जिनको यहां पर डिप्राइव कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि आप सिटीजनशिप नहीं है, तो यहां पर उनको टाइम भी दिया गया, हालांकि कि आने वाले टाइम में आप लोगों के पास में टाइम है, आप लोग प्रूफ कीजिए कि आकर के आप लोग इंडिया के सिटीजन है, वो हालांकि एक अलग बात है, पर लेकिन अभी इसके बारे में आप लोग ये याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है जितना न्यूज में है आज की डेट में आसाम वाला ये इशू, ओके? नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए मतलब टफ हो सकता है, पर लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करेंगे तो आंसर जरूर दे सकते हैं। बात की जा रही है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा, जाकर थोड़ा सर्च कीजिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं जो जनरल स्टडी वाले क्वेश्चन है, जीके वाले क्वेश्चन पर थोड़ा नजर डालते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला यहां पर बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो आंसर का बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे पाएंगे। बोला जा रहा है पहला ये यहां पर करेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बोला जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है भैया बिल्कुल सही है, पर स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है?
थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम करता है, यानी कि जो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी में उसका सॉल्यूशन निकालने का काम करता है। ये कब से काम करने लगा, ये तो इलेक्शन का काम करता है, ऐसे कोई काम करता ही नहीं है। इलेक्शन करवाता है पंचायत के और स्टेट म्युनिसिपैलिटी के, ये कब से होने लगे भैया, जिस दिन ये कराने लगेगा उस दिन तो सारे स्टेट सुधर जाएंगे, ये स्टेट के अंडर में आते हैं और स्टेट ही इसके इलेक्शन कराते हैं। यहाँ पर बस ये स्टेटमेंट सही है, बोला जा रहा है कि मेंबर का टेन्यूर जो है वो 6 ईयर होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इतना फेवरेट है, पता नहीं कितनी बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा चुका है, 6th शेड्यूल एरिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये है यहाँ पर। तो 6th शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया क्या होता है, 6th शेड्यूल एरिया क्या होता है, ये सारे डिटेल में आप लोगों के लेक्चर ले चुका हूँ पॉलिटी वाले लेक्चर में, लिंक मिल जाएंगे सारे, जो जो भी आप लोगों को डाउट रहता है पॉलिटी के लेक्चर आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर है बी, बी आंसर आप लोगों को नजर आएगा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखते हैं, ये 6th शेड्यूल एरिया जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, खासकर वहां पर जहां पर पंचायती राज सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट वे में आप लोग इसको मॉडिफाइड पंचायती राज सिस्टम भी आप लोग बोल सकते हैं, इस एरिया को टैकल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं, पूरा फोकस लोकल एरिया पर यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसका तो मैं आंसर भी आप लोगों को दे चुका हूं, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप दो, एक आंसर आप लोग दीजिएगा, एक आप लोगों का उसका हो गया करंट का और एक हो गया यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आइए अब वो लास्ट में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देता हूं आप लोगों को, ये था आप लोगों के सामने क्वेश्चन, मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो जो फर्स्ट है यहाँ पर, ये जो बात की जा रही है फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है कि कौन सी एक्साइज किसके साथ में है, क्या नाम उसका होता है, इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री यहाँ पर करती है, तो ये है नोमोडिक एलिफेंट, ये नजर आएगा आप लोगों को मंगोलिया और इंडिया के बीच में, ये अफ्रीका के साथ में नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये सारी इन्हीं के साथ में है, ओमान के साथ में ये वाली एक्साइज है ईस्टर्न ब्रिज, नेक्स्ट यहाँ पर इसराइल के साथ में आप लोग ब्लू फ्लैग आप लोग बोल सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है ये है टेबल टॉप एक्साइज बांग्लादेश के साथ में, बाकी ये वाली मंगोलिया के साथ में है, ना कि साउथ अफ्रीका के साथ में। तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट डिस्कशन, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और देखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए, और अपना कंप्लीट स्कोर वीडियो के लास्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए कि आप लोगों ने कितना गेन किया है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, करंट अफेयर क्वेश्चन की वीडियो देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो पूरा एक आप लोगों का प्रैक्टिस कंबाइन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।